नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल ए टू जेड स्पीड न्यूज़ में। दोस्तों, भारतीय क्रिकेट टीम में अक्सर ऐसे खिलाड़ी को ज़्यादा तवज्जो दी जाती है जो बल्लेबाजी के साथ साथ गेंदबाजी करने में भी हुनर बिखरते हैं। इसी क्रम में हम बात करेंगे भारत के एक उभरते हुए ऑलराउंडर के बारे में, जिसने पिछले दिनों भारत की घरेलू क्रिकेट में धमाल मचाकर दावेदारी पेश की है कि वह जल्दी टीम इंडिया में एंट्री कर सकता है। हम बात कर रहे हैं घरेलू क्रिकेट के मेघालय का प्रतिनिधित्व करने वाले स्टार खिलाड़ी संजय यादव के बारे में, जिन्होंने भारत की घरेलू क्रिकेट में खुद को एक बेहतर ऑलराउंडर साबित किया है। संजय यादव के प्रदर्शन पर नज़र डाले तो उन्होंने घरेलू क्रिकेट में कुल 9 मुकाबले का प्रतिनिधित्व किया है, जिसमें उन्होंने 1 शतक और 2 अर्धशतक की बदौलत कुल 603 रन बनाए हैं, जिसमें 254 रन नाबाद उनका सर्वाधिक स्कोर रहा। अगर संजय यादव की गेंदबाजी प्रदर्शन पर नज़र डालते हैं तो उन्होंने 9 मैचों में शानदार गेंदबाजी का नज़ारा पेश करते हुए कुल 55 बल्लेबाजों को आउट करके वापस पवेलियन भेजा। अगर उनकी यही प्रदर्शन जारी रहा तो उम्मीद की जा रही है कि वह भविष्य में भारतीय टीम के लिए एक स्टार खिलाड़ी बनकर उभर सकते हैं। IPL में संजय यादव को कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम में शामिल किया है। अब देखना दिलचस्प होगा कि वह IPL में कैसा कमाल करते हैं। अगर वह IPL में शानदार प्रदर्शन करने में सफल हुए तो उम्मीद है कि वह टीम इंडिया में एंट्री कर सकते हैं। दोस्तों, क्या आपके अनुसार संजय यादव को भारतीय टीम में मौका मिलना चाहिए या नहीं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अभी तक आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं। धन्यवाद। जय हिंद।